ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा पार्ट, एक मॉडल लिया मैंने यहाँ पे, और इस मॉडल को मैं एक चॉकलेट का शेप देता हूँ। क्या रिंग एंड स्प्लिट एंड जी एंड जी, ठीक है, बेसिक से ही करते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फेसेस लगे 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अभी मुझे एक्सट्रूड करना है, और एक्सट्रूड कैसे करना है, अलग अलग करना है। तो मैं अगर एक्सट्रूड करता हूँ यहाँ पे, एक्सट्रूड करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, थिकनेस दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ऑफसेट है, ऑफसेट एक साथ जा रहा है, एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है कीप फेस टुगेदर, इसे ऑन ऑफ करोगे तो आपको चेंजेस मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिक से शेप हमने देखा यहाँ पे, भाई थिकनेस मैंने यहाँ पे दिया, ऐसा कुछ पार्ट मैंने दे दिया। ठीक है, अभी इसी पार्ट को मुझे यहाँ पे क्या प्लान करना है, जब हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो काम से पहले प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, अभी ये मेरे पास एक मॉडल बन गया, बेसिक सा मॉडल। ठीक है, अभी इस मॉडल को मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे करना है डिटेल। डिटेल मतलब अगर मैं 3 प्रेस करूँ तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए, मतलब मैं स्मूथ लगाऊँ तो प्रॉपर सपोर्टिंग एज आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका मैंने कॉपी ली कंट्रोल डी, क्योंकि मैंने पहले सोच लिया। ठीक है, अब मैंने एक लेयर में डाल के हाइड कर दिया। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, सपोर्टिंग एज पता है, सपोर्टिंग एज मैंने यहाँ पे ऐसे दे दिया। ठीक है, लाइक दिस, ऐसा कुछ कर सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इस टाइप से मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, देन इस टाइप से भी काम किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो ये सपोर्टिंग एज दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मुझे यहाँ पे देना है, यहाँ चेक करो। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे देना है तो मैंने यहाँ पे भी सेट किया यहाँ पे। अभी ये देखो, एक एजिस को दोनों तरफ से सपोर्ट करने को बोलते हैं सपोर्टिंग एज, इस एज को मैंने सपोर्ट किया। अभी मैं 3 प्लस करूँगा तो ये बेटर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने कर दिया। अभी करने के लिए क्या, मैं एक को करूँ यहाँ पे, बाकी सबको मैं कॉपी कर दूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन चलो बेसिक समझा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा मैं मेहनत कर लेता हूँ आप लोगों को, कि थोड़ा सा ऐसा कुछ काम करना है, इस टाइप चीज़ों को मुझे मेहनत करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ कर लिया हमने यहाँ पे, ये हमें सपोर्टिंग है, थोड़ा सा याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अभी ऐसा कुछ सेगमेंट मैंने दे दिया यहाँ पे, जिससे मेरा काम यहाँ पे हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने दे रखा यहाँ पे प्रॉपर। अभी सपोर्टिंग एज हम लोग देते क्यों हैं, सबसे पहले चीज़ ध्यान दें, सपोर्टिंग एज देने का मोटिव क्या है। जैसे यहाँ पर अगर मैं स्विफ्ट एंड स्मूथ करता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे थोड़ा सा सही से दिखे, स्पेकुलर सही दिखे। ठीक है, अभी मैं चाहूँ, जैसे मॉडलिंग करते क्या होता है कि जब भी हम लोग बीच में स्पेसिंग अच्छा देते हैं तो स्मूथ अच्छा आता है। तो टेक्निकली अगर आप कहीं जाते हो किसी अच्छे स्टूडियो पे, तो वहाँ पे वो इन सब चीज़ का बहुत ध्यान देते हैं क्या, कि लाइक मैं अगर यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे किया, सेफ राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल, मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइक रिसेट इंसर्ट यहाँ पे दे रखा यहाँ पे। ठीक है, या मल्टी एजेस मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने कर दिया 5, क्लिक करो आप यहाँ पे, एक साथ 5 एजेस आ गया आपके सामने। ठीक है, आप ऐसा करना चाहो ऐसे कर सकते हो, मैंने कहा नहीं मुझे 8 चाहिए, तो मैं ऐसे देख के काम कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ काम कर जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 कर दिया यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे भी कर दिया। तो आपको सिंपल सा फंडा है क्या, कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपका जो सपोर्टिंग है और बाकी सब चीज़ें, इसमें स्मूथ बेटर आता है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट मुझे अगर यहाँ पे भी देना है, तो मैं इंसर्ट एज लूप टूल पे गया यहाँ पे, मैंने कहा चलो मुझे 2 चाहिए अभी यहाँ पे, तो मैंने ऐसे करके भी सेगमेंट दे दिया यहाँ पे, ताकि कोशिश है लाइक स्पेसिंग थोड़ा सा बेटर मुझे मिल जाए। अभी ये मेरे पास एक बेसिक सा मॉडल रेडी हो गया। ठीक है, अभी इस मॉडल के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, जितना मैंने काम किया इसका करो हिस्ट्री डिलीट। ठीक है, कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक असाइन मैंने कर दिया ब्लेन। ठीक है, अभी देखो ब्लेन पे साइनिंग है, अभी साइनिंग और बेटर कब आएगी, जब स्विफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी क्रॉस चेक करो, ये साइनिंग बहुत ही बेटर आना स्टार्ट हो गया। ये हमारे मॉडलिंग में चाहिए, बेसिक मॉडल मेरे पास ऐसा होगा कि अगर मुझे हाई क्वालिटी मॉडल बनाना है, तो हाई क्वालिटी मॉडल बनाने के लिए मुझे ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, जिसमें बस लुक एंड फील बेटर हो। ठीक है, स्मूथ ताली हो तो लुक एंड फील अच्छा देखे। अभी जब हम बेकिंग पे आते हैं, तो बेकिंग पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मुझे यहाँ पे एक इसके लिए मॉडल बनाना है। ठीक है, तो अभी मैं इसके लिए क्या करता हूँ, बेकिंग के मैं 2 प्रोसेस आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे। पहला पार्ट पॉलीप्लेन लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, R4 स्केल। अभी मुझे साइज़ नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 कर दिया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लाइक मुझे मैनेज करना, मैं स्केल करके भी मैनेज कर सकता हूँ, या मैं ऐसे अलाइन करके भी मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, वी एंड स्नैप, ठीक है, वी एंड स्नैप करके, वी एंड लेफ्ट माउस बटन से मैं स्नैप कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास यहाँ पे,
अभी ये मैं उस लो पॉली हो गया, नाम दे देना लो पॉली, ठीक है। अभी प्लेन बनाना मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए कोई कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑन ऑफ कर दिया, यहाँ पे मैं डालूंगा लो पॉली, ठीक है। लो पॉली ये हो गया, ये मेरे पास हो गया हाई पॉली, मैंने इसको लेयर में डाल दिया। यहाँ पे नेमिंग प्रॉपर करना ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब बेसिक से फंडा मुझे यहाँ पे क्लियर हुआ, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, मैंने पहले क्या किया, लो पॉली को सेलेक्ट कर लिया। अगर ऐसा हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है F6, F6 में आप आओगे रेंडरिंग में, ठीक है। रेंडरिंग में गए, यहाँ पे मिला ट्रांसफर मैप। ट्रांसफर मैप में आपको करना क्या है, आपने प्लेन लो पॉली सेलेक्ट करेगा तो ये अपने आप यहाँ पे डिडक्ट कर लेगा, नहीं अगर आपने हाई पॉली सेलेक्ट किया तो भी दिक्कत ये तो इसे सेलेक्ट कर लेगा क्या यहाँ पे। तो हमें मेक श्योर हमें पहले यहाँ पे लो पॉली सेलेक्ट करना हो, ये सेलेक्ट किया यहाँ पे आ जाएगा। लगता है कि कहीं कन्फ्यूजन हुआ, क्लियर कर दो, यहाँ पे ऐड कर लो। टारगेट में आपको लो पॉली होना चाहिए, ये मैस है, यहाँ पे एनवेलप करना है, एनवेलप कर दिया। एनवेलप हमेशा हाई पॉली से ऊपर रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, इसके आसपास भी हो तो भी काम चलेगा, जैसे यहाँ तक तो भी काम चलेगा, मतलब कवर रहना चाहिए, जितना डेप्थ हमें कवर करना है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सोर्स मैस में गए, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ऐड किया सोर्स मैस, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐड ऑन कर दिया, और कुछ नहीं करना, दोनों को एक जगह पे एक पोजीशन पे रखना है, ठीक है, ओके। ये काम कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे मैप आ गया। कभी लगता है दिक्कत हो नॉर्मल पे क्लिक करना, ये आपका मैप आ जाएगा। मैप कहाँ जाना है ये देख लेना आपको, भाई मुझे मैप यहाँ पे चाहिए, मैंने यहाँ पे कर दिया। लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट मैंने कहा बेकिंग करना मुझे, ठीक है, बेकिंग कर रहा हूँ, बेकिंग इन माया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेकिंग कर दिया, ठीक है, नॉर्मल मैप, नॉर्मल मैप डन। इसको आपको क्या करना है, जेपीजी करना है या आपको टीजी लेना है, डीडीएस करना है, फॉर्मेट आप पे डिपेंड करता है। कंपनी डीडीएस मांगती है, टीजी मांगती है, जेपीजी नहीं मांगती। मैं जेपीजी सब आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। बेक एंड क्लोज, अभी बेकिंग का काम ये करना स्टार्ट कर देगा और ये आपको बेकिंग कर देगा, बेसिक का फंडा, ठीक है। बेकिंग देखो, ये मेरे लो पॉली है, टॉप पे चलते हैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने यहाँ उठा कर रखा, सिक्स प्रेस किया, डेप्थ दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ कर दिया, ब्लेंड कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ब्लेंड है मेरे पास यहाँ पे, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, फॉन्ग फॉन्गी एंड आ गया ब्लेंड। हाँ अभी देखो,